दही ऐसे देखे तो बहुत ही पोषक खाद्य पदार्थ है, लेकिन अगर रात को खाया जाए तो जहर समान काम करता है और आपकी तकलीफों को बढ़ा देता है। अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। दही खाने से आपको बहुत सारे फायदे हैं। जिसे अनिद्रा की समस्या है वो एक कटोरी दही अगर रोज खाए तो ये दूर हो जाती है। दही से पाचन शक्ति बढ़ती है, क्योंकि जब दूध दही का रूप लेती है तो दूध के शुगर एसिड में बदल जाते हैं और पाचन क्रिया में मदद करते हैं। खून की कमी और कमजोरी दूर करता है। गर्मियों में अगर आप दही से छाछ या लस्सी बना के पिए तो शरीर की गर्मी को दूर करता है। अगर दस्त की समस्या है तो चावल में दही मिला के खाने से ये समस्या दूर हो जाती है। दही दिल की बीमारी से लड़ने में भी फायदेमंद है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। जिससे बसवीर या पाइल्स की समस्या है उनके लिए दोपहर को भोजन के बाद एक गिलास छाछ पीने से बहुत आराम मिलता है। तो दोस्तों, देखा आपने दही के कितने सारे फायदे हैं, लेकिन रुक जाइए, ये फायदे सिर्फ इसे दिन में खाने से ही होते हैं। दही को रात को खाने से ये उल्टा असर करके विष समान हो जाता है। तो देखते हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकता है इसे रात को खाने से। शरीर में कफ बढ़ता है। आयुर्वेद के अनुसार रात को हमारे शरीर में कफ को पैदा करने की प्रबलता अधिक मात्रा में होती है। तो अगर हम रात को दही खा के सोए तो शरीर में कफ का दोष बढ़ जाता है और आपको खांसी और जुकाम हो जाता है। अगर विश्वास ना आए तो रात को एक कटोरी दही खा के सोइए तो सुबह आप बंद नाक की शिकायत लेके ही उठेंगे। ऐसा अगर आपके साथ पहले हुआ है तो इसकी जड़ दही ही था। अपचन। दही ऐसे तो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन रात को खाने से दही को पचाना ही मुश्किल हो जाता है और पेट खराब होता है। यानी कि दही खाइए लेकिन दिन में, क्योंकि दही को पचाने में जो एनर्जी लगती है वो आपको रात को सोने के बाद नींद में नहीं मिलेगी और अपचन की समस्या हो सकती है। सूजन बढ़ जाती है। अगर आपके शरीर में सूजन है जिससे आपके हाथ पैर सूजते हैं तो दही रात को कभी ना खाइए, क्योंकि ये समस्या को और ज्यादा तीव्र बनाती है। आपकी सूजन कम करने की बजाय और बढ़ा देती है। जोड़ों के दर्द को ऐसे तो दही कम करता है, लेकिन रात को इसका सेवन करने से ये उल्टा परिणाम देता है और ये उस दर्द को कम करने के बजाय भी बढ़ा देता है। तो देखा दोस्तों, हमें सिर्फ सही ही नहीं, सही वक्त पर खाने पर भी काफी ध्यान देना होता है। सिर्फ कुछ घंटों में अमृत विष भी बन सकता है। क्या आपको ये बात पता था? अगर आपको और भी इस वीडियो से जुड़ी जानकारी है तो कमेंट जरूर करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।